दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे कि आप कैसे VGIREX में डिपॉजिट कर सकते हैं और USDT आप बाय कर सकते हैं, कैसे आप बाय कर सकते हैं, तो मैं आपको ये प्रोसेस पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन VGIREX में अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दिया है VGIREX का, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ट्रेडिंग आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको VGIREX का अकाउंट बनाना है। अकाउंट कर बनाने के बाद में आपको KYC करनी है। KYC करने के बाद में आप उस तरह से डिपॉजिट प्रोसेस कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बैंक से कर सकते हैं, अदरवाइज आप P2P USDT पेयर में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने KYC की। KYC करने के बाद में अप्रूवल होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ पेयर्स दिखने के मिल जाएंगे, यानी कि आप जब यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको INR का पेयर मिल जाएगा, WRX का मिल जाएगा, BTC पेयर मिल जाएगा, INR और STR। तो आपको यहाँ पे P2P सेलेक्ट करना है, ठीक है। P2P सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे बाय INR विथ P2P के अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही ये स्क्रॉल होगा आपको कितने USDT परचेज करने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हाल की जो प्राइस हैं 79 रुपीज़ के आसपास हैं, जो आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम जैसे कि आपको बाय करना तो बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम 20 USDT आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो आपको मैं लाइव परचेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया। टोटल INR की जो वैल्यू है समथिंग 1597 रुपये, यानी कि 1600 रुपये आप मान के चलिए। और यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फर्स्ट P2P बाय ऑर्डर लिमिट 16 USDT है। तो अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर अगर आप कर रहे हैं तो 16 USDT आपके यहाँ पर परचेज होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाय के ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया और 16 USDT डाल दिए और 79.89 रुपीज़ के हिसाब से मेरे को यहाँ पे परचेज होने वाला है, ठीक है। तो वेट करेंगे तब तक के लिए, जब तक कोई सेलर्स को ये मैच नहीं करेगा तब तक अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो तब तक के लिए इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार के अलावा अपने पास कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। अगर दोस्तों अगर आपके ये इसी तरह से अगर रिफ्रेश होता है बार बार, तो आप यहाँ पे कुछ प्राइस बढ़ा के यहाँ पे डाल सकते हैं। जब आप कुछ प्राइस अगर बढ़ा के यहाँ पे डालते हैं तो आपका इंस्टेंटली यहाँ पे जो भी सेलर्स सेलिंग करता होगा तो उस हिसाब से वो मैच होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटली आप कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपको उस हिसाब से अगर आपको नहीं करना है तो बाद में आपको वेट करना होगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास कॉल भी आ चुकी है। तो हम इस कॉल को अटेंड नहीं करेंगे और अपना जो सेलर्स हैं वो मैच हो चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि आप IMPS भी कर सकते हैं, आप UPI के हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI के ऊपर क्लिक करूँगा। विल पे 10%, यानी कि अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो आपको कुछ जुर्माना यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी UPI ID है, पेमेंट रिमार्क में 9314 डालना है। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ, आपको इसी तरह से पेमेंट करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अमाउंट पे कर दिया है और मैं यहाँ पे जाऊँगा बैक और यहाँ पे टिप करने का अपने को जो भी है यहाँ पे राइट करने का और आई हैव पेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर कन्फर्म यहाँ पर लग चुका है और अपने को यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर जब आप वेट करेंगे तो आपका जो डिपॉजिट है समथिंग 16 USDT वो डिपॉजिट आपको हो जाएगा और मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल को, ठीक है। तब तक वेट करिए। तो दोस्तों अब आप